वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर के बाद में हम लोग के सामने बहुत सारे सवाल आके खड़े हो चुके हैं, क्योंकि किसी ने भी सोचा नहीं था कि भाई एगेड के एंडिंग में सीधा पांचों के पांचों गुरु से आ जाएंगे। यहाँ पर अपना लूफी एक गुरु से को हराने के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। लूफी की तरफ से भाई सैटर्न को 1% भी डैमेज नहीं पड़ रहा है, लेकिन अभी क्या होगा जब पांचों के पांचों गुरु से एकदम से एगेड के ऊपर आ जाएंगे। तो देखो, ये तो पॉसिबल नहीं है कि लूफी पांचों के पांचों गुरु से को अकेला हरा देगा। और यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं लगता है कि अगर लूफी के साथ में कोई बंदा लड़ता है फिर भी वो लोग मिलकर पांचों के पांचों गुरु से को हरा देंगे, क्योंकि ये बात यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं बनाएंगे कि भाई एगेड के एंडिंग में पांचों के पांचों गुरु से आके एकदम से मारे गए या हार गए। क्योंकि 500 और यमुई है जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को काफी ज्यादा खतरनाक किया, काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। अगर ये लोग एक ही बार में हार जाएंगे तो अब तक जो वन पीस के अंदर हमको वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में इतना हाइप अप करा गया था, 5 गुरु से और यमु के बारे में इतना कुछ बताया गया था कि ये लोग वन पीस के वर्ल्ड के अंदर के सबसे ज्यादा इविल पर्सन है, तो यहाँ पर अगर ये पांचों के पांचों लूफी के हाथ से मार खा लेते तो भाई तो इसके बाद में पूरा का पूरा वन पीस का प्लॉट ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भूल ही जाओ कि लूफी के साथ में अगर कोई लड़ने आ भी जाता है तो पांचों गुरुसे को हराना इतना ज्यादा इजी होगा। मुझे तो लगता है कि लूफी और उसके साथ में जो भी लड़ने आएगा वो बस भाई यहाँ पर वेगापंक का मैसेज सब तक पहुंचने के लिए 10 मिनट का टाइम बाय करने का काम करेंगे। ये बात इस टाइम सेंस भी बनाते हैं, क्योंकि भाई पांचों के पांचों गुरुसे जो है वेगापंक के मैसेज को वन पीस के वर्ड के अंदर फैलने से रोकने के लिए आए है। यहाँ पर उनका मेन मोटिव ये रहेगा कि वो कैसे भी करके पंक रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दे। और यहाँ पर बात रही अपनी लूफी की, फिलहाल तो वो सेटिंग का कोई भी डैमेज नहीं कर पा रहा है, उसको सबसे पहले कोई वे ढूंढना पड़ेगा जिसकी मदद से वो सैटर्न और पांचों गुरुसे को थोड़ा बहुत तो डैमेज कर पाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी वाली चीज होने वाली कि लूफी कितने टाइम तक भाई पांचों के पांचों गुरुसे को होल्ड करके रखेगा। अगर इस टाइम लूफी कोई वे फिगर आउट नहीं कर पाता इनको डैमेज करने का तो भाई पांचों के पांचों गुरुसे का ध्यान लूफी से हट जाएगा और वो लोग सीधा पंक रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने चले जाएंगे। तो यहाँ पर कौन होगा जो पांचों गुरुसे को रोकने के लिए लूफी की मदद करेगा? सबसे पहले तो हमारे दिमाग में 2 बंदों के नाम आएंगे जो कि रहेंगे अपने ड्रॉरी और बोगी, जो कि बोनी के उनको बोलने के बाद में लूफी की मदद करने के लिए निकल पड़े हैं। और एक बंदा है जिसको कि भाई अभी तो जागना ही पड़ेगा, वो है अपना एंशिएंट रोबोट जिसको कि हमने एगेड के स्टार्टिंग से देखा है। अभी तो वो बंदा भाई पूरा का पूरा रिचार्ज हुआ ही नहीं है। मेरे हिसाब से अभी ये काफी ज्यादा अच्छा टाइम है उसके कमबैक का। ये बात तो आपको भी पता होगी कि इस वाले रोबोट को किसी ने ऑर्डर देकर रखा था, उस ऑर्डर के चलते ये जो एंशिएंट रोबोट है वो सीधा मरीज वाइस के ऊपर गया था। मे बी इस वाले एंशिएंट रोबोट को ऑर्डर मिला होगा कि वो मरीज वाइस के ऊपर जाके कैसे भी करके इमू और पांचों के पांचों गुरुसे को मार दे। तो अगर सच में इस वाले एंशिएंट रोबोट का ऐसा ही कुछ मिशन रहा होगा तो यहाँ पर अभी पांचों के पांचों गुरुसे एगेड के ऊपर अवेलेबल है, तो इसके लिए अभी काफी ज्यादा सही टाइम है कि वो उठ के पांचों के पांचों गुरुसे को रोकने के लिए लूफी की मदद करे। तो यहाँ पर और एक बंदा आपके दिमाग में आ रहा होगा जो कि है ड्रैगन। तो भाई ड्रैगन तो एगेड के ऊपर आने वाला, ये बात तो भाई तुम लोग दिमाग से ही निकाल दो, क्योंकि लेटेस्ट चैप्टर के अंदर हमको सब लोगों के रिएक्शन दिखाए गए थे जिनमें से एक ड्रैगन भी था। तो यहाँ पर अभी ड्रैगन के रिएक्शन से तो मुझे यही लग रहा है कि ड्रैगन जो है वो उसके रिवोल्यूशनरी आर्मी के बेस के ऊपर ही है, क्योंकि हमको ड्रैगन के साथ ही युवांग और बाकी सारे रिवोल्यूशनरी आर्मी के कमांडर्स भी दिखाए गए थे। अगर वो सब लोग सच में अपने बेस के ऊपर है तो उनको एगेड के ऊपर आने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। और अगर यहाँ पर मैं गलत निकलता हूँ और ड्रैगन जो है वो अपनी शिप के ऊपर रहता है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि ड्रैगन जो है वो एगेड के ऊपर कभी भी आ सकता है। अगर ये चीज यहाँ पर पॉसिबल नहीं होती तो बोनी जो है वो अपने अथॉरिटी का यूज करके सारे के सारे पैसिविस्टास को गुरुसे के पीछे लगा देंगे, वो लोग कैसे भी करके 10 मिनट तक टाइम बाय कर पाएंगे। और इन लोग को टाइम बाय करने के साथ ही एगेड से जल्दी बाहर निकलने का कोई तरीका भी ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर किजारो भी वर्ल्ड गवर्नमेंट से अपनी लॉयल्टी तोड़कर लूफी की मदद कर सकता है, क्योंकि पहली बात तो है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट से लॉयल होकर उसको कुछ भी मिला नहीं है, इसके बदले उल्टा उसको अपने दोस्तों के साथ ही लड़ना पड़ा, बाद में जाके उसको वेगापंक को भी मारना पड़ा। और आपने लास्ट कुछ चैप्टर के अंदर ये बात भी नोटिस करी होगी कि भाई किजारू जो है वो थोड़ा सा डिप्रेस भी लग रहा था, क्योंकि वो बंदा बार बार अपने सर के ऊपर हाथ देख के बैठा ही रहता था। तो शायद से किजारू के दिल के अंदर थोड़े से इमोशंस फिर से जाग उठे और वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को ब्लाइंडली फॉलो करना छोड़ दे और यहाँ पर 5 गुरुसे को रोकने के लिए लूफी उसके क्रू की मदद करे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम ही है। और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर हमको फाइनली शैंक्स की एंट्री देखने को मिल सकती है? क्योंकि अभी मुझे एक डाउट हो रहा है कि अभी एल्बाब के ऊपर जो है ब्लैक बेल्ट जा चुका है, इसलिए हमको शैंक्स भी उधर ही देखने को मिलेगा। और क्या आप भी मेरी तरह सोचते हो कि एगेड के एंडिंग में पांचों के पांचों गुरुसे एकदम से हार नहीं सकते? अगर ये पांचों के पांचों एकदम से एक ही जगह पे हार जाते हैं तो भाई वन पीस की स्टोरी काफी ज्यादा फक्ड अप हो जाएगी। और अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है कि आगे चलकर हमको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ये चीज देखने को मिल सकती है तो उसको कमेंट करके सबको बताना ना भूलिएगा। तो चलो गाइस, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूं आपको आगे आने वाली किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।